पति रोहन होली पर मुझसे और मेरे बेटे रप्री से आ रहा है मिलने के लिए। अभी थोड़ी देर में आप लोग को मिलवाते हैं, फोन आया कि आ रहा हूँ, तो क्या पता ब्लॉग बनाते बनाते आ जाए तो आप लोग भी मिल लोगे। बहुत खुशी की बात है कि आ रहे हैं। ये देखिए फैन रोहन आ गया, देखो कितनी सारी बिछियाएं पहनी है, नेल पॉलिश लगाया, रंग लगाया, तीन तीन बिछे। मेरा बहुत शौक चढ़ा रखा था तीन तीन बिछे। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग वीडियो में। तो फाइनली 3:30 से प्लस हो गए, 4 बजे ने जा रहे हैं। मैंने नहा धो के भगवान जी को पूजा वगैरह कर ली। आप लोग भी मत्था टेक लीजिए, आप लोग भी फ्रेंड माता रानी भगवान जी को मत्था टेक लीजिए। तो फाइनली धूप जो आ रही है ना, बड़ा गंदा लाइटिंग पड़ता है। तो ग्रहण तो ख़त्म हो गया, अब देखते हैं क्या खाती हूँ। घर में है तो खाने पीने का बहुत कुछ, और सुबह जैसे लग रहा है कि व्रत हूँ मैं, एकदम पूरा फास्ट जैसा फील हो रहा है। तो अभी नहा धो के माता रानी पूजा करके थोड़ा तैयार हो गए हैं। तैयार किए वही पुराने कपड़े, जैसे हर साल जैसे पुराने वही पहन रखी हूँ। क्या पहनूंगी, पिछले साल होली में भी यही पहनी थी। आप लोग ब्लॉग देखना देखो होली वाली, तब मैं आंटी जी के साथ रहती थी, जब मैं अलग रह रही थी उस टाइम की बात है। बहुत पुरानी, वही हाल अभी है, वही हाल उस टाइम था। तो यही सूट पहना था, आज भी होली के दिन 1 साल हो गए, आज भी होली के दिन यही पहना था। अभी चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं कुछ खाने पीने का लेते हैं, खाते हैं, फिर आप लोग से। ग्रहण तो ख़त्म हो गया, लेकिन फ्रेंड्स आपको पता ही है कि मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं कि मैं, अब बाबू पॉटी कर रहा है तो मुझे बाहर जाना ही पड़ा, और फिर कभी बाबू कुछ चाहिए कुछ चाहिए तो मुझे बाहर निकलना पड़ा। ऐसा नहीं कि मैं बाहर नहीं निकली, फिर मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं खड़ी रहूँ। मैं फिर थोड़ा चली फिरी भी हूँ, मतलब थोड़ा कम चली फिरी हूँ, लेकिन मैं लेटी भी थी। ठीक है, अब जो होना होगा भगवान को पर चलिए, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोग, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है कि नहीं। चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने आ गई हूँ, गुड न्यूज़ समझिए चाहे बैड न्यूज़ समझिए। वैसे फ्रेंड्स देखिए जो होता मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो चलिए क्या पता वीडियो बनाते बनाते आप लोगों को सरप्राइज़ मिल जाए। चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं, पहले तो बताइए आप लोगों को होली कैसी थी, अगर मिल गई गुड न्यूज़ ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं, चलिए बता ही देते। तो फाइनली फ्रेंड मेरा पति रोहन होली पर मुझसे और मेरे बेटे रप्री से आ रहा है मिलने के लिए। अभी थोड़ी देर में आप लोग को मिलवाते हैं, फ़ोन आया कि आ रहा हूँ, तो क्या पता ब्लॉग बनाते बनाते आ जाए तो आप लोग भी मिल लोगे। बहुत खुशी की बात है कि आ रहे हैं, और अच्छी बात है कि मतलब कि परिवार से मिलना कोई बुरी बात तो होना नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमें फ़ोन किए, बड़े सामान तो तुम्हें मिल ही गए थे, मैंने कहा मिल गया, हमने बना खा भी लिया, उसमें कौन सी कहने वाली है, उसमें कोई पूछने वाली भेजा है, मैंने वीडियो डाली, ऐसा था नहीं वीडियो नहीं, वीडियो देखते हो तभी तुमने भेजा। हमने खा बना लिया, बना के इतना रखा है कि अब मुझे फ्रिज में स्टॉक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं कल परसों तक आराम से खाऊंगी। पूरी उड़ी ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं है, अभी मौसम काफ़ी ठंडा है आप सभी को पता है, पर आज मेरे घर में फ़ैन चल रहा है। आराम से सोता है। तो चलिए गुड न्यूज़ तो मिल ही जाएगा, मिलने आए मिलने आए होली में, तो बुरा ना मानो होली होली है कि नहीं, तो बुरा नहीं मानेंगे, होली है तो कौन तो हमें पहले तो हमें बुलाता, हम तो वैसे भी नहीं जाते। चलिए मिलने आ जाएंगे तो आप लोग भी मिल लोगे, हम भी मिल लेंगे कैमरे के सामने, आप लोग भी देख लोगे, यार हमने भी बहुत दिनों से नहीं देखा है। चलिए कोई बात नहीं, खैर खैर पता है मैंने इन सब चीज़ों की ना टेंशन लेनी ही छोड़ दी। एक सिस्टर ने भी कमेंट किया था कि जब प्रिया टेंशन में रहती है तो भी सभी को दिक्कत है, और खुश रहती तो भी सभी को दिक्कत ही है। बिल्कुल सही बोला सिस्टर आपने, मैं अगर रोऊं तो भी दिक्कत है, खुश रहूं तो कहीं इसका, और लगता ही नहीं इसका पति इसको छोड़ दिया। तो पति दुनिया में ना फैंस मेरे से भी बदतर जिंदगियां जी रहे हैं, तो कहीं भी है खुश है सही सलामत इतना है ना, मुझे रहने को घर नहीं है कि हम खा नहीं रहे, खा रहे हैं, रहने का घर ही है, सुख चैन से जी रहे हैं, कहीं जाना हो तो घूमने हम चले जाते। ऐसा तो है नहीं कि मैं फालतू के कामों में नहीं रहती हूँ, मेरे पास फालतू का काम नहीं है कि मैं वहाँ बैठ पाँ चुगली कर रही हूँ फिर 10 लेडीज़ों के पास बैठ रही हूँ, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है फिर। और हाँ मैं अपने सुबह घर में जो भी 7-8-9 बजे थोड़ा कभी कदार 9 बज जाता लेट हो जाता, वरना 6-7-8 बजे सो के उठती हूँ, अपना ब्रश किया, काम किया, खाना बनाया खाया, ब्लॉग बनाती हूँ अपने, 3 दिन चैनल है मेरे पास, जो भी होता है जो भी आप लोगों की दुआ कृपा से होता है वो हमें मिलता है, तो मैं वीडियोस बना शायद भी मैं उन दोनों पे शायद ही डाल पाती हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, फिर रील बनाना होता है, फिर बच्चा संभालो, शाम हो जाती, खाती बनाती सो जाती हूँ, 8-9-10 बजे बसते बसते मैं बेड पे, अभी बेड पे हूँ, अभी मैं कब सो जाऊँगी पता नहीं, अभी तो चलो फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ,
मैं बस आऊँगा 5 मिनट के, मैं अपने बेटे और तुमसे मिलने आ रहा था। मैंने कहा, मैं मन में सोच रही हूँ कि क्यों मिलना, क्या फालतू का। तो कोई बात नहीं, बोले अपने बेटे से मिलने आ रहा था। मैंने कहा मिल लो, कि इसमें कौन किसी ने रोका है। ऐसा होता है नहीं कि हमारी तुम्हें डिवोर्स हो गई या तुम नहीं मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, मैं तो तुम्हारे घर जानती भी ना, मुझे पता है क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में। नहीं, हमेशा ऐसे कहते मैं आ रहा हूँ, आते हैं नहीं, फैन एंड टाइम में नहीं आते, आपको पता ही, इसमें बोलने वाली बात नहीं। इसलिए मैं ट्रस्ट, चलिए अभी मुझे बोले बस मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, मेरी 3 मिनट 4 मिनट सेकेंड चल रही, चलिए 4 मिनट की वीडियो बन गया, अभी तक नहीं आया ना। चलिए वो आएंगे भी नहीं, अगर बाय द वे आते हैं तो ब्लॉग तो मैं बना, चाहे कुछ भी हो गए, मैं वीडियो तो बनाती ही बनाती हूँ चाहे कुछ भी हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आप आज आपको एक चीज़ दिखाऊं फ्रेंड, दिखाती हूँ, देखो कितनी सारी बिछियाएँ पहनी है, नेल पॉलिश लगाया, रंग लगाया, 3-3 बिछिया। मैंने बहुत शौक चढ़ा रखा था 3-3 बिछिया, मतलब कि जैसे इसमें भी पहने जाते, लेकिन वो तो नई दुल्हन होती तो आजकल बिछिया। वैसे मैंने ये 2 पहन रखा था, ये दोनों, फिर मैंने ना ये नया है फिर इसको भी डाल लिया। मैंने कब तीनों उंगल में पहनूंगी, शादी के टाइम में शौक नहीं पूरे हुए, अभी तो शौक पूरे कर लिए हैं कि नहीं। बहुत मन करता है 24 घंटा तैयार होकर रहूँ, लेकिन फिर आपको पता है मेकअप मेकअप होता ही छूट जाता है। अभी ऑयली खाया, लिपस्टिक छूट गया, मैट लिपस्टिक ये है कि ऑयली चीज़ खाने से छूट जाती है, वरना नॉर्मल आप खाना खाओगे तो नहीं। नॉर्मल अगर मैं खाना दो, जैसे आज मैंने लगाई दोपहर में, तो कल शाम तक मेरी लिपस्टिक रहती है क्योंकि मैट रहती खाना खा रहे हैं। और जैसे ऑयली खाते हो तो उसमें पता है ऑयल लगता है लिप में तो छूट जाता है। तो यही फ़ायदा है मैट लिपस्टिक का। तो अभी बाबू सो गया, आज काफ़ी ज़्यादा होली होली खेला इसने, भगदड़ वाली होली। अभी टाइम कितना हो रहा है अभी आप लोग को बता देते हैं, टाइम भी हम बता देते हैं, अभी 9:52 हो गए और आएगा नहीं, वो ऐसे बोल दिया है क्योंकि देखिए मैं उसका काम है बोलना, ठीक है कहना, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने कॉल पर उसके बथेरे आवाज़ आ रहे थे। वो कभी आई नहीं, जब वो हमारे साथ रहता था तो होली वाले दिन घर नहीं आता था, अब हमसे अलग रहता तो आएगा हमारा, हम लोगों से मिले, क्या मिलना जुलना, ज़िंदगी है, ज़िंदगी कट रही है, खाने को मिल ही रहा, पहनने को मिल ही रहा, आराम से रह रही हूँ सुख चैन से। मुझे फैन सोचो कि कोई टेंशन या परेशानी, मुझे कोई टेंशन कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी पेन पुन हो जाता है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, बस इसी मुझे थोड़ी टेंशन हो जाती है कि मतलब ज़िंदगी ऐसी है कि अकेले रहना पड़ा। कोई बात नहीं, समय के साथ सब कुछ मैनेज हो जाता है। जितना टेंशन लोगे, जितना अपने आप को प्रॉब्लम दोगे, जितना अपने आप में सोचोगे, परेशानियां दिक्कत उतनी ही बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं। तो इसलिए अपने आप को खुश रखो। आज तो फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, आज अगर आप प्रप्रीत को देखते मैं नहीं पहचान पाई तो हुआ क्या, मैं बता रही हूँ आप लोगों को अपनी की स्टोरी बताती हुआ क्या। ये गया होली खेलने, उधर थी आंटियाँ दीदी सब ले गई इसको, बच्चे बच्चे सब खेल रहे हैं वहाँ पे, जैसे चूल्हा वूल्हा बना रखे ना सारे लोग, इससे बेटा है तो बाहर चूल्हा बना रखे। इसने क्या किया, अपने एक साइड से पूरा काला बोध लिया पूरा काला, उसके बाद मैं दूर से देख, मैंने कहा रप्रीत ऐसे ऐसे भाग रहा। उसके बाद मैं उसको स्टार्टिंग क्या हो गया, इसको पूरा चूल्हे का कोयला निकाल के मुंह में लगा लिया, हाथों में लगा लिया पूरा, मैंने इसको नहला धुला, पहले इसने सुबह सुबह रंग खेला, उसके बाद शाम फिर नहला धुला के भेजी, तब जाके फिर इसने खूब सारा रंग खेला। आज रप्रीत ने खेला जा, अब अगले साल देखिएगा कितना जम के होली खेलेगा अपने बेबी बाबू के साथ, कहने का मतलब जो रप्रीत का छोटा बाबू आ जाएगा उसके साथ खेलेगा वो अगले साल होली, फिर 2 हो जाएंगे, सही रहेगा, 2 रहेंगे, आराम से खाएं पिएं मस्त रहें, मैं भी खुश बच्चे भी खुश है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं, समय है सब पल जाएंगे कट जाएंगे, ऐसा नहीं, ये मैं टेंशन नहीं लेती हूँ मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगी। मैं तो बस इतना सोचती हूँ कि जल्दी से दिन कटते रहेंगे, कब पता ही नहीं लगेगा है कि नहीं।
समय कट गया, देख रहे हो फ्रेंड, 2 साल का रिपीट होने वाला भी अगस्त में, जब मेरा दूसरा बाबू होएगा, जब दूसरा बाबू होगा मेरा उस टाइम रिपीट 2 साल को सोचिए। तो मतलब टाइम टाइम की बात है, टाइम बीतते टाइम नहीं लगता यहाँ पे, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और मैं टेंशन लेते घूमूंगी कहाँ ज़िंदगी कटने वाली है। तो होली तो हमारी हो गई, अच्छी, बहुत अच्छी थी फ्रेंड। मैंने कल ही होली रील जब मैंने डाली थी उसी दिन मैंने होली रपरीत के साथ बढ़िया मस्त जम के खेल लिया था। आज तो मैंने कोई कलर कलर नहीं है, सिर्फ भगवान जी को पूजा किया, छोटू सा टीका लगाया था बस, और कुछ नहीं, बस हो गया। मैं गुलाल उलाल थोड़ा सा लगाई भी है, देखिए पिंपल कितने निकल गए, बाबू को भी पिंपल निकल गया, सूट नहीं करता कभी कभी कोई कोई चीज़ें, पंखा खटर खटर कर रहा है, मुझे लग रहा है फिर ढीला हो गया इस पंखे, ना कुछ प्रॉब्लम होती लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, ढीला तो नहीं हुआ ऐसे अभी ना, मेरे पंखे का ना पीछे का ही पूरा ढीला हो गया, अभी मैंने पेचकस सब टाइट करा है, बहुत गर्मी पड़ रही, फैन चलाना पड़ता है। क्या मुसीबत है पंखे की, देखिए जो चीज़ एक बार ख़राब हो जाती है ना फैन, फिर बनने के बाद ना उसकी हालत वैसी रहती है, पुरानी रहती, ये ना ख़राब होता। ये पंखे में क्या हुआ, तो पहले तो प्लग में थोड़ा सा जल गया था, उसके बाद मैं ऐसे रील बना रही थी और उसके बाद अपनी ना धक्का था, इसका पंखी भी टूट गया, फिर ये पूरा पंखी टूट गया, डैमेज ही हो गया, फिर न्यू पंखी लगवाई हूँ। उसके बाद देख रहे फैन, 10 मिनट की वीडियो मेरी बन की बात करते करते, मैं सोचती हूँ जैसे आई वैसे मैं कैमरा ऐसे घुमा करके ही नहीं, फैन रोहन आ गया सीधे से कैमरा में, ये देखिए फैन रोहन आ गया फाइनली, मैं तो ऐसे कैमरा घुमाऊंगी, लेकिन टाइम हो गया, लेकिन अभी तक आए, मैं 5 मिनट वाला, मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा आप लोगों से बातें कर ली, अभी तक नहीं आए। अरे वो कहता है सिर्फ फैन, उसको कोई मतलब नहीं होता है हम लोगों से, कोई बात नहीं, मैंने अपना खा लिया बना लिया, उसने भी पूरे टाइम एंजॉय करा होगा, उसकी खुद की जिंदगी, वो भी खुश है अपनी जगह, मैं भी खुश हूँ अपनी जगह, हमको कोई टेंशन नहीं है कि हमें टेंशन हो रही है, मैं नहीं रोती गाती हूँ, रोया गया फैन उसके लिए जाता है, टेंशन सुधर जाए क्या फ़ायदा रो गा के, कब मैं तो ये सोचती ठीक है जहाँ खुश है रहे, फालतू में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो ज़िंदगी में ख़राब हो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है, आप समझ सकते हो फ्रेंड, एक लड़की लड़की की बात समझ, जो नहीं समझते उनको तो मैं समझा ही नहीं रही हूँ, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है मुझे ज़बरदस्ती का प्यार क्या करना, और मेरे पास प्यार की कमी ही नहीं, मेरे बच्चा इतना प्यार करता है मुझे, और मेरा आने वाला बेबी, मेरे पास खुशियों की कमी है फ्रेंड, आप लोग तो मेरे पास खुशियों की कमी है, एक के क्यूट सा बच्चा मेरे पास है, एक दूसरा फिर आने वाला है, कितनी खुशी की बात, मैं टेंशन नहीं लेती हूँ कि कौन संभालेगा मेरा बच्चा, कैसे क्या होगा, नहीं 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 ये सब टेंशन वो लेते हैं जिनके पास टेंशन होती, मैं नहीं लेती सब चीज़ों का टेंशन, रबरी छोटा तो कौन संभालता था फ्रेंड, मेरा कौन परिवार था, रोहन भी नहीं संभालता था इसको, गोद में ले लेके कपड़े धुली हूँ, बस यही सब सोच सोच के, यही सब याद कर कर के मैं सोचती हूँ जो हमारा नेक्स्ट होगा ना, मेरा दूसरा बेबी आने वाला है, ये भी मेरा ऐसे ही पल जाएगा जिससे मैंने अपने दूसरे बेटे को पाला है, वैसे आने वाला भी पल जाएगा, जैसे इसको पाल रहे वैसे वो भी पलेगा, ना पहले में भी किसी की सपोर्ट थी मेरे पीछे, ना अब किसी की सपोर्ट रहेगी, है कि नहीं, अगर बाय द वे चली जाती हूँ ससुराल तो फिर सासू माँ का सपोर्ट रहेगा। चलिए फैन, 13 मिनट की वीडियो बनने वाली है लेकिन वो नहीं है, अगर आएगा तो ज़रूर ब्लॉग बनाएंगे, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से बाद में, बाय बाय, लव यू ऑल।